सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने मंगलवार से हलवाई के बगीची स्थित मानसिक चिकित्सालय में सक्षम डाबर फाउंडेशन के सहयोग से 10 रुपए में भोजन व्यवस्था शुरू कर दी है। भोजन व्यवस्था का शुभारंभ मानसिक चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने किया। पहले तो मैं सबसे सत्यमेव जयते ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सस्ते दर पर यहाँ पर खाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है कि ये हमारे यहाँ मानसिक रोग जो लगभग 250 से 300 पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं, तो उनके साथ हर पेशेंट के साथ लगभग 2 से 3 तीमारदार रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हम 200 मरीज भी मिनिमम समझे तो लगभग 600 व्यक्ति यहाँ पर डे ओपीडी में आते हैं। चूँकि आसपास कोई ऐसा होटल या कुछ इस तरह का है नहीं कि अधिकतर सारे मरीज हमारे गरीब तबके के हैं कि उनको खाना उपलब्ध हो जाए। मैं आभारी हूँ आज सत्यमेव जयते ट्रस्ट, सक्षम डाबर फाउंडेशन और लॉर्ड कृष्ण जनहित समिति का, जिन्होंने आज हमारे रोगियों के लिए 10 रुपये में बड़े ही किफ़ायती दरों पर यहाँ थाली की व्यवस्था की है। हमारे मरीज पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और यहाँ खाने पीने की अक्सर समस्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। तो मैं सब लोगों से आह्वान करूँगा यहाँ आएँ और इसका लाभ लें। यहाँ सस्ते के साथ साथ की अच्छी गुणवत्ता की थाली है और जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूँगा, जैसे 10 रुपये की थाली जिसकी लागत करीब 50 रुपये होती है, तो 50 रुपये दें, 5 टोकन लें, 1 टोकन से खुद खाएँ। देखिए, किसी को दाना डालना और किसी के साथ में सहभोज करने में अंतर होता है, एक सम्मान के साथ में उनके साथ में उनकी थाली के साथ में अपनी थाली लेके उनके साथ खाना खाएं। सत्यमेव जयते ट्रस्ट का आज एक महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत सक्षम डाबर ट्रस्ट और हमारी सक्रिय कुछ बहनों के सहयोग से एक 10 रुपये में जो भोजन व्यवस्था, जिस तरह हम लोग लेडी लाइन में कर रहे हैं, उसी तरह की यहाँ व्यवस्था शुद्ध और सात्विक भोजन का मिलना यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उनको इस सुविधा का लाभ रहकर और वो स्वस्थ और भोजन 10 रुपये में प्राप्त कर सकें। ये जो सक्षम डाबर फाउंडेशन के सहयोग से और सेवा भारती के सहयोग से ये 10 रुपये की भोजन थाली, काफ़ी समय से शहर में ये सेवा निरंतर चल रही है, उसी कड़ी में ये एक वैन आज यहाँ पर शुरू की गई है और ये निरंतर यहाँ पे 10 रुपये में भोजन थाली, क्योंकि यहाँ पे ओपीडी में बहुत मरीज आता है सुबह और सब बाहर का मरीज आता है, और क्योंकि मानसिक रोगी होता है तो हर एक मरीज के साथ कम से कम 2 उसके तीमारदार होते हैं, और यहाँ आसपास कोई भी ऐसी उनके पास व्यवस्था नहीं थी जो वो अपना दोपहर का भोजन प्राप्त कर सकें। जो सत्यमेव जयते के साथ जो आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आप ही इसका सब देखेंगी, तो मैं ये वादा कर रही हूँ कि वे पूरी तरह से मैं संचालन करूँगी और मेरी देखरेख में रहेगा, और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर सब 2 लोग लगा दिए हैं जो डेली यहाँ पर खाना वितरित करेंगे। यहाँ करीब 200-250 की करीब मैं जो बीमार होते हैं उनके साथ जो लोग आते हैं उन सभी की सेवा यहाँ पर, ये पाल खाने के ओपीडी गेट पर।